Yeah.
विशालो। हाथ में अक्षत कुछ ले लीजिए, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यह यात्रा यह अनुष्ठान कर रहे हैं, हमारा विभिन्न पूर्ण संपूर्ण हो, जीव देवता को देवता हो, श्री भगवान की कृपा की प्राप्ति हो। Thank you.
Oh,
विश्व भगवान भाति अहम प्रदान भगवदो कल्याण महतु मे कमलाय कालामलितारशयिते धाराधरे करुणा कीजिए मेरे गुरुदेव।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Oh,
Thank you.
श्याम बोलता ही पत्ता पत्ता श्याम बोलता ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता 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 जाता है वो ध्यान भंग हो जाते हैं। वो देखते हैं ब्रज में इतना मधुर संगीत उत्पन्न हो रहा है मेरे इष्ट देव मेरे कान्हा किशोरी जी के साथ।
हरास कर रहे हैं, उनको व्याकुलता होती है मैं भी उस ब्रज की ओर चलूं और महाराज का आनंद लूं, अपने कान्हा के दर्शन करूं। वो वहां से चल देते हैं तो पार्वती मैया भी उनके साथ आ जाती हैं। जैसे ही महाराज के निकट पहुंचते हैं तो जैसे ही प्रवेश करने को होते हैं तो राधा रानी की सखी ललिता और विशाखा पहरेदार खड़ी थी, तो महादेव को रोक देती है कि पुरुष रूप में कान्हा है, अनगिनत गोपिकाओं के साथ महाराज कर रहे हैं, दूसरा पुरुष इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता, प्रभु हमें क्षमा करें। हे महादेव बोलते हैं गोपिकाओं कोई मार्ग बताइए इस महाराज में प्रवेश कर सकूं और महाराज का आनंद ले सकूं। तो गोपिका बोलती हैं ललिता और विशाखा, प्रभु आप गोपी रूप धारण कीजिए, इस महाराज में प्रवेश कर जाइए। तो जैसे ही महादेव जमुना भैया स्नान करते हैं, स्नान कर बाहर आते हैं तो अपना गोपी रूप धारण कर लेते हैं। इसी दिन से इनको गोपीश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। बोलो गोपीश्वर महादेव। तो गोपी रूप धारण करे महादेव जैसे ही महाराज में प्रवेश कर जाते हैं तो कान्हा उनको पहचान जाते हैं, ये तो महादेव आए हैं गोपी बने, तो उनसे खड़े होकर अपने सिंहासन, आइए गोपेश्वरी इतना प्रेम सम्मान के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान कर लेते हैं। या किशोरी जी विराजमान होती थी उसी स्थान पर विराजमान कर लेते हैं। किशोरी जी देख रही है कि नई गोपी आ गई, इतना प्रेम दे रहे हैं कान्हा, और अब जहाँ मैं विराजमान होती थी वहाँ विराजमान कर रखा है। तो राधा किशोरी जी वहाँ से रूठ कर मान कर आ जाती हैं यहाँ पे। तो किशोरी जी जैसी रूठ कर आ जाती हैं तो कान्हा उनको ढूंढते हैं कि किशोरी जी नहीं दिख रही, महाराज बंद हो जाता है। तो उनके पग चिन्हों को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मनाते हैं, मनाते मनाते उनकी बांसुरी और मुकुट उनके चरणों में रख देते हैं, चरण पकड़ लेते हैं। किशोरी जी रूठ कर मान कर आ गई थी, हमारे ब्रज की और कोई साधारण गोपी नहीं थी, वो स्वयं महादेव आए थे, गोपी बने महादेव थे, अपनी हट अपना मान छोड़ो और हमारे साथ चलो। किशोरी जी का मान वो मान था जो प्रेम पूर्वक मान था कान्हा से। तो राधा रानी बोलते हैं प्रभु मैं तो थक गई, मेरे बस की बात नहीं है। तो कान्हा बोलते हैं आइए राधा रानी अब थक गई तो आओ हमारे कंधे पे ब्राजो, हम आपको ले चले। तो राधा रानी जैसे ही कंधे पे ब्राजमान होती हैं प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं, और जैसे अंतर ध्यान हो जाते हैं तो राधा रानी विलाप करती है, मेरे कान्हा मेरे कान मेरे प्रभु मेरे कहाँ गए, उस विलाप कारण के शायद मैंने उनसे विनती करा ली, इसी कारण मुझे छोड़ के चले गए। उस विलाप से सांवले स्वरूप में हो जाती है किशोरी जी और काफी विलाप करती है, विलाप करते करते अश्रु धारा निकलती जाती है, सरोवर आपको दिख रहा है, आंसुओं से भरा हुआ सरोवर है, किशोरी जी के अश्रु धारा से भरा हुआ सरोवर है। तो राधा रानी ने विलाप किया था, सांवले स्वरूप में हो गई थी, अश्रु धारा से ये सरोवर भर दिया है। राधा रानी रूठ कर मान कर महाराज में आई थी, इसी जगह को राधा रानी मान सरोवर के नाम से जाना जाता है। बोलो जय जय श्री राधे। राधा रानी जाके चरण पड़ जाएंगे ना महाराज जी, जो किन प्रकार श्री जी का स्मरण कर लेता है, भजन कर लेता है मनुष्य जीवन पा करके, वही होशियार है, वही चालाक है ना, वही सुजान है, वही बुद्धिजीवी है। तो देखो हमारे आदरणीय डायरी और पेन लेकर के आए हैं, और हर जगह जहाँ जहाँ जाएंगे उस स्थान का नाम, कहाँ कहाँ गए, किस किस महापुरुष से मिले, और फिर जब घर में बैठ जाएंगे ना तो फिर खोल लेंगे, फिर कहाँ कहाँ गए, श्री राधे 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 श्री राम कृपा में, श्री राधे राधे श्री बेल बन में, राधे राधे पंछी बट पे, राधे राधे मान सरोवर, राधे राधे मानसी की यात्रा करो घर में जाकर, तब तो लाभ है ना। जहाँ जहाँ गए सब बुद्धि में नोट करके रख लो, पहले कागज में लिखो, फिर दिल दिमाग में लिखो, फिर रोम रोम में, पूरा ब्रज मंडल हमारा ये तनी बन जाए, है ना। उनका याद करते करते श्याम सुंदर में ही एकीकार हो गई श्री मीराबाई जी, है ना। तो हमारे रोम रोम से भगवत स्मरण हो, हमारा तन मन जीवन भगवत स्मृति में डूब हो जाए। कमाना खाना परिवार का भरण पोषण करना है तो सब करते ही है, ये अपने आप होगा, पर सबसे बड़ा महत्व का कार्य जो हम यहाँ पर आए हैं, जो कर रहे हैं, और इसीलिए हमें मनुष्य तन मिला है भाई, उस धन की महिमा है, उस तन की महिमा है, उस मन की महिमा है, उस परिवार की महिमा है, जहाँ भगवान के चरणों में सब लगे हुए हैं।
तो विप्र देवता के चरणों में कुछ निवेदन करें, द्रव्य दक्षिणा अक्षत पुष्प और खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मद विघ्न शासितो विष्णु गोप्तये सकेउ देवा सात्वता कुले विरचिता भयम् ते चरण मीयुषा संस्रते भया कर सरोरुहम कांति कामुदम शिरसि देनः श्रीकर गृहम ब्रज जनार्ति हन वीर योषिता निज जन स्मित भज सके भव करिष्मनो जल रुहानम चारु दर्शय प्रणत देहिनाम पाप कर्षनम तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचे सुनः क्रन्दिरक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुद्धिमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा तब कथा वृतम बाबूजी से बोलो बाबू कवि भीरेडितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति भूरि राजना प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदि स्पृशः कुहक नो मनः शोभयन्ति
चल सियत प्रजा चारयन् पशून् नलिन सुन्दरम् नाचते पदम् सिलित्रणाङ्कुरै सीदतीति नः कलिलता मनः कान्त गच्छति दिन परीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहारणम् विमृदावृतम् घनरजस्वलम् दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरम् वीरयक्षसि प्रणतकामजम् प्रतजाचितम् धरणिमण्डनम् देयमापदि चरणपङ्कजम् सन्तमम् च ते रमण नर्तने सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवीस्मारणम् नृणाम् वितर्वीरण स्तेधरामृतम् अटति यद्भवानन्निकाननम् रुटिर्युगायते त्वाम् पश्यताम् कुटिलकुन्तलाम् श्रीमुखम् च ते जड उदिश्यताम् पश्यकृदृशाम् पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवानतिविलङ्घ्यते च्युतागता गतिविधस्तवो गीतमोहिता कितवयोषितः कस्तजनिषे राशि संविदम् रक्षयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुराश्रियो वीजधाम ते मुहुरते स्पृह मुह्यते मनः व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते व्रजिनहन्त्रलम् विश्वमङ्गलम् त्यज मनाक्षनस्तस्पृहात्मनाम् स्वजनवृजा यन्निशोदनम् यत्तेषु जातचरणाम् गुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियदवीमयिकर्कशेषु नाटवे मठसि तद्वदतेन किञ्चित् पूर्वादिविर्भ्रमति दीर्घमदायुषा गंगोत्री जमुनोत्री जितने भी तीर्थ हैं ब्रजमंडल में सारे तीर्थों की स्थापना भगवान बिहारी जी ने किया है। द्वारिकाधीश भी यहीं पर है, जगन्नाथ भगवान भी यहीं हैं। पूरब के, पश्चिम के, उत्तर के, दक्षिण के, चारों दिशाओं के तीर्थ, चारों धाम। इसलिए ब्रजवासी जो है तो जब तीर्थ यात्रा करते हैं तो बस 84 कोस की यात्रा कर लेते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते। बोले हमारे कन्हैया ने सब तीर्थन को यहाँ बुलायो, हम काहे को जाएं। बोलो राधे राधे। नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपना आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, अपना आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, अपना आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, अपना आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला कैसे आएंगे भगवान, चंचल मन को नहीं संभाला कैसे आएंगे भगवान,
अपना आंगन नहीं मुहारा, कैसे आएंगे भगवान अपना आंगन नहीं मुहारा। क्योंकि मातृश्री वहां पे गोपी स्वरूप धारण करी हुई थी, क्योंकि मैया गोपी स्वरूप धारण करी हुई थी, तो मातृश्री ने तुरंत अपना जो कि योग माया का स्वरूप धारण छोड़ करके गोपी स्वरूप धारण कर लिया, ढोलक ले लिया और मैया बधाई दे रही है और बहुत सारी बधाई दे रही है और बधाई ऐसी दे रही है। तो फिर नंद बाबा तो इसलिए उसका नाम आनंदी माता रखा गया। महिषासुर का वध किया, चंडमुंड का विनाश किया मातेश्वरी आनंदी देवी ने, जो के और जो माता मनोमंशा देवी है इसका, क्योंकि ब्रजमंडल में आने से ये नहीं कि हमने खाली परमात्मा की चेहरा देख लिया और दर्शन गुरु महाराजों के दर्शन कर लिए बस, उससे नहीं, कुछ ऐसे भी काम करने होते हैं जो कि हम ना आ पाए तब भी हमारा नाम लिपता रहे परमात्मा के पास। तो कोई भी व्यक्ति हो, जैसे बच्चा हो मैया, कोई भी जैसे जन्म से बोल नहीं पाता हो, सुन नहीं पाता हो, देख नहीं पाता हो और जो कि चल नहीं पाता हो, जो डॉक्टरों ने मना कर दिया हो कि अब ये बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा, तो कुछ करना नहीं है। अगर प्रेजेंट है मैया के सामने खड़े तो अपना एक चुनरी एक नारियल, और नहीं तो घर पर ही है कोई बच्चा, जैसे नहीं कोई आ नहीं पाता और आपको पता चल गई तो उससे कह देना संकोच मान के एक नारियल और एक चुनरी उठा करके रख दे और मातेश्वरी कृपा से उसका बच्चा सवा महीने बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि भगवान का मुंडन संस्कार इसीलिए पर हुआ था। दोनों भाइयों का अब देवी है ये सामने ना कि अभी खोल लें, चित्र खोलेंगे। आएंगे मार दिए ना देवकी के, तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए हैं? इंद्रलोक। इंद्रलोक से लेके आए कामधेन गौ, तो कामधेन गौ कहाँ विराजे? गोकुल में। श्याम सुंदर को बस एक नजर देख लें, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख लें, मोहनी मूर्ति का कुछ असर देख लें, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख लें, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख लें, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख लें, श्याम सुंदर कुछ असर देख लें, मोहिनी का कुछ असर देख लें।
श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले। Thank you.
नजर देख ले। माटी की नींद तो सब आते हैं, ये रज बाकी मंदिर तो हमारे एमपी में भी है क्या नहीं है, मगर ये भूमि नहीं है, ये रज नहीं है। और अपना अपना चश्मा भी, चश्मा बचा के रखना, चश्मा नहीं नहीं खाली का यहाँ का बंदर, बाकी चश्मा उड़ा नहीं चलाएगा, वृंदावन में छोड़ा लेता यहाँ नहीं छोड़ा, अन्य किसी होगी तो छोड़ा ले। अब थोड़ा हाथ जोड़ो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, गोकुल धाम की जय, यमुना महारानी की जय, गौ माता की जय। ताली बजा के बोलो राधे श्याम, 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 मन से दिल से हंसी करो, हंसाओ देखो मेरे कहने से ना हंसना है ना रोना, अपने मन से हंसना, ऐसा नहीं कोई मजा नहीं हंसा है। गोकुल में उसका घर कहो मते, और गोकुल में आके रोए अपना सब कुछ, गोकुल में कहीं भी जाओगे तो हंसी खुशी रहना है। क्या है चिंता आरण महादेव, और ये क्या है ब्रह्मांड घाट, यहाँ भगवान खेलने कूदने के लिए आते थे, और मुख में क्या खाई माटी, और बलराम जो कृष्ण के बड़े भाई थे, और मैया से जाके शिकायत की कि कृष्ण ने तो माटी खाई, तो मैया यशोदा क्या बोली कि कृष्ण माटी नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता, क्या मेरे यहाँ कमी किस चीज़ की है, 9 लाख गाय का माखन है, मिश्री है, दूध है, सब कुछ है, मेरे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो माटी क्यों खाने लगा। मैया इधर में आई और कृष्ण से पूछा लाला माटी खाई, तो कृष्ण क्या बोले नहीं खाई, तो बोले मुंह खोल, तो मुंह खोलूंगा मैया डर जाएगी, तो मुंह में क्या दिखाया पृथ्वी आकाश ब्रह्मांड, तो नाम पड़ा ब्रह्मांड बिहारी, बोलो ब्रह्मांड बिहारी लाल की जय। यमुना जी है इसको पार करके वसुदेव जी, और कृष्ण को मथुरा कारागार से और टोकरी में धर के गोकुल में लेके आए, कहाँ नंद बाबा के घर 84 खंभा, अभी यहाँ से आगे पड़ेगा, यहाँ हमारे 84 कोस की यात्रा कर रहे हो आप, 84 कोस के अंदर में 5,500-6,000 मंदिर है, कितना है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा 5,500 मंदिर है,
मगर अभी हम जो जाएंगे वो कोई मंदिर नहीं है, वो भगवान का घर है जहाँ छोटे से बड़े हुए हैं और राक्षसों का वध किया है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे पूरे ब्रज में चार चीज भगवान टाइम का प्राचीन है। पहली क्या है, ये यमुना जी पहले भी थी और आज भी देख लो है। दूसरा क्या है, गिरी गोवर्धन पर्वत जो अंदर से बहस हुई और सब प्रजा को अंदर ले लिया और कन्नी पे उठाया, पहले भी था और आज भी है, जिसकी 721 किलोमीटर की परिक्रमा लगती है। तीसरा क्या है, ये ब्रज भूमि नंदगांव बरसाने वृंदावन गोकुल दाऊजी पूरा ये ब्रज भूमि 84 कोस 252 किलोमीटर जहाँ भगवान ने लीलाएं की, 7 बरस 52 दिन लीलाएं की और यहाँ से कहाँ चले गए, द्वारका। कृष्ण कहाँ के राजा है, द्वारका के। यहाँ के राजा कौन है, बलराम। बोलो बलराम भगवान की। अब देखो यहाँ से आगे कहाँ चलेंगे, नंद बाबा का घर 84 कमला। वहाँ 2 मिनट 3 मिनट के लिए बैठेंगे ऐसे, अभी यहाँ बैठे हुए क्यों, वहाँ शंकर भूमि है। जैसे अपने घर गाँव को छोड़ के तुम आए हो ना दर्शन के लिए, ऐसे ही देवलोक को छोड़ के वहाँ देवी देवता है और सबको वहाँ 5-5 मिनट बैठी। मंदिर में जाने का कोई टिकट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है, कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान हैं। ताजमहल जाओगे, लाल किला जाओगे, टिकट टैक्स लेना पड़ेगा। और वहाँ क्या चाहिए, भाव और भगवान को मन। क्या देना, भगवान को मन देना। जिस भाव से यहाँ दर्शन करोगे, जिस भाव से जुड़ा जुड़ाओगे, उस भाव से तुम्हारे घर में जुड़ेंगे। बोलो राधे राधे। और भगवान ने क्या खाई थी यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा सब लोग अपने हाथ में मिलती रहते। देखो माता जी अपने पीछे सबको बांटो, पीछे वालों को बांटो। वसुदेव जी को पार किया, हमको भी भव सागर से पार करना, नंद बाबा यशोदा मैया राम भैया कन्हैया, हम आपके गोकुल धाम में पधारे हैं, चरणों का भक्ति देना। ये मट्टी और खा लो, यमुना महारानी की। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। देखो अभी हम चल रहे हैं ऊपर नंद बाबा के घर 84 कमा। ये सामने दिख रहे द्वार दिख रहे, नंद द्वार। ये नंद द्वार लिखा हुआ है श्री नंद भवन 84 कमा पुरानी गोकुल महावन मथुरा। महावन, महा माने बड़ा और वन माने जंगल। चारों ओर देखो ये जंगल है। ये आप टीले देख रहे हो, ये गोबर मिट्टी के बने हुए टीले हैं जो गाय चलती थी। 9 लाख गाय थी और गोबर मिट्टी से ये टीले बने हुए हैं। अभी हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर टंकी लगा होगा, तो सभी लोग जितने भी हैं थोड़ा टंकी में हाथ धोएंगे और ऊपर जाएंगे। ऐसे ही देवलोक को छोड़ के कौन आया, देवी देवता। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटी देवी देवता होता है और सभी यहाँ भगवान कृष्ण का दर्शन के लिए आया और मैया यशोदा ने यहाँ सबको बारी बारी से दर्शन कराया। सबसे लास्ट में यहाँ कौन आया, शंकर भगवान, जिनको दर्शन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया, कि वो अपने असली वेश में आई थी। आज भी माता बहने गाती है, देखो री बाला योगी और द्वार हमारे आयो है, अंग बहुत गले में छाला और शेष नाग लटकायो है। शंकर भगवान इस भूमि पे 3 दिन बैठे थे और 3 दिन के बाद मैया यशोदा ने उनको दर्शन कराया परछाव से। बोलो राधे राधे। यहाँ पे आने का सबसे बड़ा दो महत्व है।
सबसे पहला महात्म क्या है? कृष्ण को झूला झुलाना। झूला अपने घर में भी झुलाते हैं कि नहीं झुलाते हैं कृष्ण को? मगर वहाँ के झूले में और यहाँ के झूले में फर्क है। वहाँ यहाँ से लेके झुला रहे हो, यहाँ स्वयं नारायण झूले हैं। यहाँ पे उल्टा है। उल्टा क्या है कि संसार की डोरी किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। आज भगवान की डोरी हमारे हाथ में, दीन बंधु दीनानाथ और तेरी डोरी मेरे हाथ। जब भगवान को यहाँ झूला झुलाएंगे तो भाव कैसा रखेंगे? भगवान भाव नहीं रखेंगे। देखो, किसी को चाहिए पुत्र और किसी को चाहिए नाती और किसी को चाहिए पंती। जिस भाव से ये भगवान को झूला झुलाओगे उस भाव से ये तुम्हारे घर में झूलेंगे। कोई भी मन की मनोकामना हो भगवान पूरी नहीं करते हैं, पंडित पूरी नहीं करते हैं। कौन करते हैं? कृष्ण के बड़े भाई जो है बलराम जी, वो पूरा करते हैं। अगर कोई भी मन की मनोकामना हो उनसे मांगना। अभी हम कर रहे हैं 84 कोस की परिक्रमा। अगर बलराम जी की आज्ञा नहीं ली, 84 की साक्षी नहीं ली, 84 की साक्षी कौन करता है? यहाँ के राजा। और यहाँ के राजा कौन है? कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी। कृष्ण तो द्वारका के राजा है। तो 84 कोस की यात्रा जब पूर्ण होगी तब हम बलराम जी की यात्रा बोलेंगे। आज्ञा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अंदर में अभी हम जाएंगे तो सबसे पहला 3 बातों का मर्यादा रखेंगे। सबसे पहला खड़ा होके दर्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सब जगह जाओगे, मथुरा वृंदावन गोवर्धन, तो सब जगह आपको कृष्ण मिलेगा, बड़ा कृष्ण। और बैरिकेटर भी लगा हुआ होता है। और यहाँ पे कौन है? बाल कृष्ण। यहाँ खड़ा होके दर्शन करने से परछाव पड़ता है, अंडे का फल नहीं, अपराध लगता है। दूसरा, यहाँ फूल सुपारी पैसा रुपया कुछ भगवान को फेंक के नहीं मारेंगे कि लक्ष्मी का अपमान हो और आने का अपराध लगे। क्यों? क्योंकि ये भगवान का घर है। यहाँ के किए हुए पुण्य, यहाँ के किए हुए पुण्य सब जगह के छूट जाएंगे। घर यहाँ का किया हुआ पाप कभी नहीं छूटेगा, सातों जन्म नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान का घर है। और तीसरा मर्यादा यहाँ का क्या है कि मंदिर में 2 कदम थोड़ा घुटनों के बल छोड़ेंगे और मुख से क्या बोलेंगे? पापा पहिया और चले कृष्ण कन्हैया। क्योंकि यहाँ 60 वर्ष का बुजुर्ग और 2 दिन का बालक क्या समान माना जाता है। नंद बाबा और कृष्ण इस भूमि पे घुटवन घुटवन चले हैं। तुम कभी अपने घर में बचपन में चले हो, आज अपना बचपन ये नंद बाबा के घर में याद करना। क्या बोलना है? पापा पहिया और चले कृष्ण कन्हैया। दूसरी बात, आप अपने घर में क्या बनाते हो? जन्माष्टमी गोपालाष्टमी मनाते हो हर साल। वो कहाँ का व्रत है? वो गोकुल का व्रत है। यहाँ भगवान को 84 गोस के अंडर में एक जगह भगवान को भोग भी लगता है। किस नाम से लगता है? माखन और मिश्री नाम से अटका भोग। भोग तुम्हारे घर में भी लगता है, मेरे घर में भी लगता है और समुद्र भोग लगता है। मगर यहाँ क्या लगता है? जन्माष्टमी नाम से अटका। अटका भोग हमारे पूरे भारत में सिर्फ 3 जगह लगता है। सबसे पहले लगता है कहाँ? उड़ीसा में जगन्नाथ। कहती है जगन्नाथ जी का भात और जगत पसारे भात। वहाँ गरीब हो या अमीर हो ऐसा हाथ पसारना पड़ता है जब माँ दाल भात राइस का भोग लगता है। वहाँ 14,000 झाड़ी है। 14,000 झाड़ी नहीं, सिर्फ 1 झाड़ी जगन्नाथ जी को अटकर हमसे भोग लगता है। भक्ति देना हमसे आने में जाने में कोई भी पाप अपराध हुआ हो क्षमा करना। हमारे माता को पिता को 84 कोस सप्तपुरी 68 तीर्थ ब्रज यात्रा का फल देना। जो भी भोग लगाए सुधामा भाव से स्वीकार करना। बोलो राधे राधे। मैंने बताया दर्शन खुलेगा। 2 मिनट प्रकट हुआ, उनके पिता वसुदेव जी भगवान को यहाँ छुपाया।
यहाँ से नंद कन्या योग माया महामाया का जन्म हुआ, उनको पलटा करके ले गए कंस को दिया। कंस धोबी के हाथ से शिला को पछाड़ा, दोनों भुजा उखाड़ा, आकाश बड़ी हुआ, हे पापी कंस तू मेरे को क्या मरता है, तेरे मारने वाला कृष्ण गोकुल में झूला में झूलता है। मथुरा लिया अवतार गोकुल झूले पालना, जन्मे कृष्ण मुराद भक्तों के हित का, इसका जैसा भाव है वैसा फल। भगवान के बड़े भाई बलराम जी का जन्म गोकुल में हुआ, कृष्ण जन्म लेके आए, नंद जी के यहाँ दो पुत्र हुए, उत्सव हुआ, नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया। आज भी यहाँ बनता है टीवी सीरियल रेडियो प्रोग्राम, यहाँ से रिलीज होके आल वर्ल्ड में जाता है। यहाँ भगवान को कृष्ण जन्माष्टमी नाम से, गोकुल अष्टमी नाम से माता कृष्णी भोग लगता है, लगाओ नहीं लगाओ वो आपका खुशी, भगवान नहीं खाते हैं, भगवान तो आपकी भावना के भूखे। खाने वाला कौन है, भगवान ने बोला है नमो ब्रह्मण देवाय वो ब्राह्मण हिताये चा जगत ताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो। खाने वाला कलयुग में तीन भूखे, गौ साधु ब्राह्मण। शास्त्र के अनुसार जगन्नाथ में भगवान को दाल चावल खिचड़ी महाप्रसाद भोगटका लगता है, बद्री विशाल जी को कच्ची चना की दाल स्वर्ण तुलसी पंच मेवा का भोगटका लगता है, यहाँ भगवान गोपी से लूट के माखन मिश्री खाए, यहाँ भगवान को कृष्ण जन्माष्टमी नाम से, गोकुल अष्टमी नाम से माखन मिश्री भोगटका लगता है। पैसा संस्था में जमा होता है, उसका रसीद मिलता है, रसीद से सारा मंदिर दर्शन होता है, दूसरा मंदिर भोग पूजा दान नहीं, उसका पंचायत ट्रस्ट। घर के जन्माष्टमी महाप्रसाद, माता पिता परिवार का नाम भगवान के घर में वास करता है, उनको भी तीर्थ कराने का फल होता है। पैसा आज की तारीख मंदिर रहता है, कल का तारीख बैंक जाता है, बैंक उसकी ब्याज से चार भाग धर्म का चलाती है। मथुरा का लड़की गोकुल का गाय भाग के फूटे बाहर गाँव, पहले भाग से भगवान की गायों की सेवा, उसमें दूसरे भाग चावल किलो भोग आजीवन चलता है, उसको राजभोग बोलते हैं, चार गौ संत ब्राह्मणों की सेवा, पूरे परिवार के नाम से गोदान, आजीवन भोग आजीवन ठाकुर जी की गायों की सेवा, उसमें 3151 दान, पति पत्नी का एक है, माँ बेटा का एक है, पिता पुत्र का एक, बाकी अपनी करनी पार उतर। दर्शन खुलेगा मंदिर का मर्यादा, खड़े नहीं होना पेट के दर्द, मंदिर में फूल रुपया चामर सुपारी कुछ फेंकना नहीं, आपको जाने में खाने में आने में रास्ते में दिक्कत ना आती हो, यहाँ दान करना, दुख कष्ट बातें नहीं करना, मेरा काम बोलने का, मैं चार बार पांच बार बोलूंगा, बुरा नहीं मानना, दान में अपनी आत्मा और अपने परमात्मा की सलाह है। यदि दान करने का मन है, पैसा यहाँ नहीं है, गाड़ी में रूम में एटीएम में पेटीएम में आ जाएगा, उसका परेशानी नहीं, मन बड़ा करना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, प्रभु किसी का रखता नहीं, दूसरी जगह लगता नहीं, उसका स्लिप है। बोलो बाके बिहारी लागे आपके माई और बैठी हैं गोरे गोरे पाग वाले पूछो वाले जगन्नाथ बद्रीनाथ द्वारिकानाथ के पिता श्री नंद महाराज, बोलो नंद महाराज की। वो कोने में कृष्ण माखन चोर 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 के माखन खाया, और गोकुल में राम ठाकुर जी का माखन चोर के खाया, बोलो माखन चोर भगवान की। ये कोने में भगवान की आदि शक्ति है, सिंह की सवारी है, योग माया महामाया अम्बे माता, बोलो योग माया की। भगवान है अवतार दाता धर्मात्मा तीर्थ यात्री के लिए भगवान के घर में मिलता है, आगे वाला पीछे वाला माता बहन भाई किन्हीं प्राणी को भगवान का गोकुल में राय भोग सेवा दान करनी है, किलो भोग में चार गौ संत ब्राह्मण की सेवा, पूरे परिवार के नाम से गोदान, आजीवन भगवान का भोग, शिला दान भूमि दान 3151 रुपया, तो सबसे पहले दाहिने हाथ ऊंचा करके लिखा सकते हैं कि हमारा नाम धर्म में लिखी। देखना चाहते हैं ना, मस्ती से अपने स्थान पर खड़े होकर के बिहारी जी का दर्शन करते हुए हम सब गाएं और आरती करें। श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, ओ श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले।
बीच सेंटर, बीच वाले सेंटर में कुछ नहीं करना है। आप देखो एक वाले एक डिब्बा के एक कोने में ये वाली अनुष्ठान जो उंगली है उस पे हाथ धर के लगाओ, बोलो शंख। उस पे एक कोने पे हाथ लगाओ, उस पे बोलो एक गोलाकार सा छोटा सा शंख, छोटा सा एक शंख। एक कोने में लगाओ बोलो चक्र, एक कोने में लगाओ बोलो गदा, और एक कोने में लगाओ बोलो पद्म। और देखो अपने दोनों हाथों को ऐसे करो, ऐसे करो और ऐसे करके मिला दो और बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। ऐसे करके मस्तक से लगाओ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल, राधा रानी। ऐसे करके बीच में रखो, बीच में रख दो अपने जो सेंट बनाया बीच में, और ऐसे करके उसको गाड़ के चलाओ, बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, बोला गाड़ के हटा लो। अब क्या बन गया ये? नहीं चरण नहीं बना है, ये अभी गाय का खुर बना है। ये वाली उंगली से दोनों पैर दोनों पद्मों पे पांच पांच उंगली लगाओ, पांच पांच उंगली लगाओ, पांच इस पे लगाओ और पांच इस पे लगाओ। और देखो अब इसमें क्या बन गया? अब जिसने अच्छी तरह से बनाए हैं तो उसमें गौर करो, एक चरण छोटा होगा एक चरण बड़ा होगा, है क्या नहीं है? इस मिट्टी में हजार बार बनाना, एक छोटा बनेगा और एक बड़ा बनेगा। क्यों? क्यों जो राधा थी वो कृष्ण से बड़ी थी, तो बड़ा चरण किसका है? बोलो राधा रानी की। और छोटा चरण किसका है? कृष्ण का। बोलो कृष्ण भगवान की। बीच में से ऐसा बीच में चरणों के बीच में थोड़ा गोला बना, बोलो लक्ष्मी का भंडार। और थोड़ी सी उस बीच में से थोड़ी सी मिट्टी लेके ऐसे हाथ पे रखो। आपने सुना होगा राधा तेरे चरणों की और ब्रज धूल जो मुझे मिल जाए, ब्रज की धूल ये गई और राधा के चरण ये गए। ऐसा करके हाथ करो, बोलो हे रमण बिहारी, हम आपके धाम में पधारे हैं, हमको चरणों का भक्ति देना, हमारे शरीर के रोग दोष कष्ट सब इस रेती में झड़ लेना। बोलो एक बार हाथ, बोलो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देखो